वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? जैसे कि आपको पता कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बीकॉम में डिबेंचर्स इशू एंड रिडम्पशन, गाइस उसमें मैं आज आपको ये डिफरेंस करवाने जा रहा हूँ डिबेंचर्स और शेयर्स का, ठीक है जी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह बोर्ड भी देख लो और समझ भी सको, और मैं आपको एक एक करके ये पॉइंट एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, राइट हो। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ये जो डिफरेंस का पॉइंट है, सीरियल नंबर है, फिर बेसिस है, फिर डिबेंचर्स है, फिर शेयर्स है। तो पहला पॉइंट क्या है? स्टेटस। स्टेटस में सबसे पहले डिबेंचर्स में क्या है कि डिबेंचर हो को क्या बोला जाता है, डिबेंचर्स खरीदने वाले को क्या बोला जाता है, उसको डिबेंचर होल्डर बोला जाता है, और शेयर को क्या बोला जाता है, जो शेयर खरीदता है कंपनी के उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, राइट, सिंपल। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? ऑनरशिप का। ऑनरशिप में क्या होता है कि जो डिबेंचर है वो ऑनर्स नहीं होते, नो डाउट वो लेंडर्स होते हैं या जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो देनदार है, लेनदार है हमारे, हमने उनसे उधार लिया हुआ है, ओके। सो लेंडर है और क्रेडिटर्स हैं। शेयर्स क्या हैं? शेयर्स के केस में वो ऑनर्स होते हैं, जिनको शेयर्स इशू किए जाते हैं वो ऑनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है गाइस। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिबेंचर होल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है, और ना ही वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, बट शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मालिक होते हैं, वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और पार्ट भी होते हैं मैनेजमेंट का, ठीक है गाइस। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट या डिविडेंड मतलब, तो डिबेंचर्स को तो इंटरेस्ट मिलता है 6 मंथली, आपको पता है, क्योंकि वो लेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, उनको ब्याज मिलेगा, ठीक है, और वो कंपल्सरी पेमेंट है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा वो भी यदि प्रॉफिट होता है तो, राइट गाइस। चलिए तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट का। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन में लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट आपको पता है कि शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस इन पेमेंट। प्रेफरेंस इन पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर्स को पहले पे किया जाता है, ठीक है जी, और जो शेयर्स हैं वो लास्ट में पे होते हैं इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बट डिबेंचर को तो आपको पहले पे करना ही पड़ेगा ना, जो भी उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, जब 2 साल 5 साल 3 साल व्हाटएवर उसका टाइम है वो पहले पे करने पड़ते हैं, राइट हो। इवन वाउंड अप भी हो जाए, यदि कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज पे भी पहुंच जाए तब भी डिबेंचर्स ही पहले पे किए जाएंगे, ओके। तो सेवंथ पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, इशू ऑफ डिस्काउंट। डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो बट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, ये गाइस आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके जी। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए अपने, और बाकी चैप्टर के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना सारा सिलेबस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, विशाल गुप्ता कॉमर्स एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी कोर्स वहाँ से कंप्लीट करते रहिए, ओके जी, डन, गुड लक।